नमस्कार दर्शकों, businessfortnight.com के एक नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इन एपिसोड्स में हम आपको शहर के जाने माने एंटरप्रेन्योर से मुलाकात कराते हैं, साथ ही जानते हैं उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जो उनको सक्सेस अचीव हुई है वो किस तरह से हुई है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ किस तरह से वो जी रहे हैं, किस तरह की मैनेजमेंट थॉट, किस तरह की उनकी लीडरशिप स्किल्स हैं जिससे वे प्रदेश में और शहर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल जगत के जाने माने नाम आशीष पांडे जी से। आशीष जी ओम ऑटो होंडा के मैनेजिंग पार्टनर हैं, साथ ही उनके दो और परिचय में देना चाहूँगा। एक परिचय उनका भोपाल ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष पद है, साथ ही वे मध्य प्रदेश चैप्टर जो है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का, वे उसके भी अध्यक्ष हैं। और इस नाते से वे न केवल अपनी डीलरशिप के लिए काम कर रहे हैं, साथ ही में पूरी जो फ्रेटर्निटी है ऑटोमोबाइल उसके लिए भी वो काम कर रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जैसा कि हमारे इंटरव्यूज का फॉर्मेट होता है, हम शुरुआत करते हैं आपके बैकग्राउंड से और उसके बाद हम आपके जो बाकी के जो लाइफ के चैप्टर्स हैं उनको अनफोल्ड करते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे आपसे ये जानने की कि आपका बैकग्राउंड थोड़े हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार। और मेरे फादर जो हैं वो आर्मी ऑफिसर थे और आर्मी ऑफिसर होने के नाते मैं पूरे हिंदुस्तान के स्कूलों में पढ़ा हूँ, पहली चीज़ तो ये जी। सेकंड, मैंने जो अपनी इंजीनियरिंग करी है वो है मरीन इंजीनियरिंग, कलकत्ता से करी है, मरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से अब वो जाना जाता है। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं L&T में था और इन द मीन टाइम फादर रिटायर हो गए, लेकिन उनका नाम कर्नल पांडे है था और उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंटर करा 1985 में जी। लेकिन हमने ओम ऑटो एंड सन्स के नाम से हम ये TVS के डीलर हुए 26 साल तक। 2011 तक हम TVS के डीलर थे, 2011 से लेके अभी तक 2023 मतलब 12 साल हो गए हम होंडा के डीलर हैं और अब हम रायसेन रोड पे स्थित है हमारा शोरूम जी। तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा आपने जैसे बताया कि यहाँ का लोकल ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है भोपाल ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, उसका मैं अध्यक्ष हूँ और MP का जो एक FADA का चैप्टर है जो कि ऑल इंडिया एक बॉडी है ऑटोमोबाइल डीलर्स की, उसका मैं चेयरपर्सन जी। तो सर, ये जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आप बता रहे हैं 1985 से शुरू हुई, तो शुरुआत में आपको किस तरह की चुनौतियां नज़र आईं और कैसे कैसे आपने किस तरह से इन चीज़ों में इन चुनौतियों से पार पाया और अपने सफ़र को आगे बढ़ाया? ये देखिए, ऐसा है कि हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड के तो थे नहीं जी। फादर आर्मी में थे, मैं था मर्चेंट नेवी में, तो ऑफकोर्स जो बिज़नेस की बारीकियाँ हैं वो समझने में टाइम लगा। लेकिन आप जब बिज़नेस में एंटर करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप औरों को ऑब्जर्व करते हैं, कंपनी भी आपको ट्रेन करती है और एज टाइम गोज़ बाय यू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जिसे बोलते हैं जी जी। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये तो मजाक की बात हुई, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम को आप इन्जॉय करते हैं तो नॉट ओनली यू वर्क मोर एफिशिएंटली बट एट द सेम टाइम आपका काम अच्छा भी होता है और आप सीखते भी ज़्यादा फास्ट हैं जी। तो ये मेरा एक मूल मंत्र है जो मेरे पिताजी ने भी मेरे को बताया जी, कि जो काम करो वो इंटरेस्ट लेके करो तो वो काम अच्छा भी होगा और आप उसको इन्जॉय भी करोगे। सर, इसके बाद हम आते हैं, जैसे कि आप दो एसोसिएशन के अध्यक्ष रूप में कार्यरत हैं, इन एसोसिएशंस के जो रोल हैं वो तो हमारे जो लेमेन दर्शक हैं जिनको नहीं मालूम है इसके बारे में वो बताएं, साथ में इसमें आपने किस तरह का कंट्रीब्यूशन एज अ आप जो इस बॉडी के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में दिया है और साथ ही साथ भोपाल में। मैं पहले भोपाल से चालू करता हूँ जो हमारा बाडा के नाम से है जी। उसका मैं अध्यक्ष हूँ 2018 से। ये जो एसोसिएशन है ये 1992 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, उस समय उसका नाम था MP स्टेट ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। ये मेरे पिताजी ने फॉर्म किया था और वो पहले अध्यक्ष थे उसके, तो आज मैं अध्यक्ष हूँ। तो लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद या उससे भी पहले कुछ करीब एक डेढ़ महीने पहले जो हमारे
एसोसिएशन के अन्य मेंबर हैं, उनने और हमने ये डिसाइड करा कि इसका नाम चेंज करा जाए, क्योंकि ये एसोसिएशन एक लोकल एसोसिएशन था विच यूज़ टू केटर टू द नीड्स ऑफ भोपाल डीलर्स. तो एमपी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन स्टेट एसोसिएशन का नाम हमने हटा के उसको बाडा कर दिया. तो उसमें हमारी टाउन का और प्लेस का एक फ्लेवर आ गया. तो पहली बात तो ये, तो 2018 से मैं इसका अध्यक्ष हूँ, आज 5 साल हो गए. इसमें मेंबरशिप कितने हैं, कितने मेंबर्स हैं इसमें? इनफैक्ट क्या हुआ है कि ये एसोसिएशन में हमने कुछ इसको बहुत एक्टिव कर दिया. इसमें हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक व्यक्ति की, एक नागरिक की, एक बिजनेसमैन की होती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए भी हम बहुत काम करते हैं. जैसे ब्लड डोनेशन हुआ, ट्री प्लांटेशन हुआ, डायबिटीज़ एक अवेयरनेस हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और सबसे इम्पोर्टेंटली, वैसे मैं इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बीइंग इन दिस ऑटोमोबाइल लाइन, हम हर साल ये ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल के एक ट्रैफिक अवेयरनेस और सेफ्टी राइडिंग की एक हफ्ते या 8-10 रोज की कैंपेन करते हैं. तो जब हमने ये सब कैंपेन करना चालू करी और इसके रिजल्ट दिखने लगे, अखबार में आने लगा, तो ऑटोमोबाइल जो जैसे डीलर्स थे जो आसपास के एरिया के, वो भी इंक्वायरी करने लगे और वो चाहते थे कि वो भी मेंबर बने. तो इनफैक्ट यू विल बी हैप्पी टू नो कि हमारे एसोसिएशन में भोपाल के अलावा अब होशंगाबाद, बैतूल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, ब्यौरा, आसपास की जो ये टाउन्स हैं, इसके भी लोग हमारे एसोसिएशन में मेंबर बन गए हैं. तो लगभग हमारी मेंबरशिप जो है वो अभी 60-65 डीलर्स के बीच में है. तो उसमें क्या होता था कि पहले जैसे हमने ऑब्जर्व करा था कि स्टाफ का एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा था. एक डीलरशिप को छोड़ के वो बाजू वाली डीलरशिप या आपकी कॉम्पिटिटिव डीलरशिप या को डीलरशिप में स्टाफ छोड़ के जाता था. उसमें वो NOC भी नहीं लेते थे और आपसे जैसे कुछ पैसे लिए तो पैसे भी पे बैक नहीं करें और आपने कोई और डीलरशिप ज्वाइन कर ली, तो जो डीलर से बड़े परेशान होते थे. तो हम लोग ने बैठक करी और ये डिसाइड करा कि स्टाफ अगर आपकी डीलरशिप छोड़ के ऑटोमोबाइल में कोई और डीलरशिप ज्वाइन करता है तो यू विल नॉट एम्प्लॉय हिम अंटिल अनलेस यू हैव NOC. और अगर फाइनेंशियल कोई एम्बेजलमेंट है या कोई एडवांस लेके रखा है तो उस समय तक आप उसको NOC ना दें जब तक वो क्लियरेंस मिले. एंड वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इम्प्लीमेंटिंग इट. तो इससे क्या हुआ, दो फायदे हुए. एक तो डीलर के यहाँ से जो स्टाफ का एट्रिशन रेट था कम हो गया. सेकेंड, जो स्टाफ ब्लैकमेलिंग करता था कि सर आप मेरे को 12,000 दे रहे हो, मैं वहाँ जा रहा हूँ 15,000 मिल रहे हैं, और रॉन्ग अपनी सैलरी भी कोट करता था, दैट स्टॉप. तो उससे बहुत पीस आ गई और आपस में जो रिलेशनशिप होते हैं बड़े अच्छे हो गए. तो ये एक मेजर उपलब्धि थी. सेकेंड, जो हम लोग को RTO रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं, हमने वो रिजॉल्व करी बहुत ज़्यादा. हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलते हैं एंड नाउ वी आर नोन टू मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कंसर्न हैं, द ब्यूरोक्रेसी एज वेल एज द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंड RTO अक्रॉस भोपाल. तो उससे क्या होता, पहचान होने के कारण जब हम उनको अप्रोच करते हैं तो हमको इज्जत भी मिलती है और हमारे काम अगर सही हो तो बहुत आसानी से होते हैं, जो पहले सही होने के बावजूद भी नहीं हो पाते थे क्योंकि संगठित नहीं थे. हाँ, तो और मैं यही बताता हूँ अपने एसोसिएशन के मेंबर को, यूनाइटेड वी स्टैंड, देयर इज मोर स्ट्रेंथ इन फिस्ट देन पाम. सो द मैसेज हैज गॉन डाउन द वायर. प्लस आई ऑल्सो ऑलवेज कोट वन एडेज, द स्ट्रेंथ ऑफ द पैक इज इन द वुल्फ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वुल्फ इज इन द पैक. लवली. इसका बड़ा फायदा हुआ. प्लस और भी चीज़ें करते रहते हैं. अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है. एक यहाँ के लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक पार्किंग फीस इंट्रोड्यूस कर दी, ये करीब 1 साल पहले की बात है. तो वाहन खरीदने पे RTO के साथ कस्टमर को, नागरिक को, एक आम नागरिक को पार्किंग फीस देनी पड़ती थी जो कि 500 से स्टार्ट होती थी और गाड़ी के एक्स शोरूम कॉस्ट के हिसाब से वो इंक्रीज होती थी और 5,000 तक जाती थी. तो दिस वाज एक्स्ट्रा बर्डन ऑन कस्टमर जो भोपाल के नागरिक हैं उन पे. तो हमने गए, हम मिले, हमने कमिश्नर साहब से बात करी, उन लोग से भी बात करी
हमने एक्सप्लेन किया कि सर ये चीज़ गलत है, तो बोला हम लोग पार्किंग तो ले नहीं रहे। हमने बोला ये नहीं, आप पार्किंग जब आदमी गाड़ी पार्क करता है आप लीजिए पैसे, लेकिन मान के चलिए एक आदमी ने गाड़ी यहाँ से ली और विदिशा चला गया तो वो क्यों पार्किंग फीस दे, वो यहाँ की पार्किंग फीस यूज़ नहीं कर रहा है। सेकेंड, बाहर का आदमी यहाँ पे आ गया तो उससे तो पार्किंग फीस आपने नहीं दी, वो तो फ्री में पार्किंग यूज़ कर रहा है, प्लस पार्किंग एरिया में आपको कोई मॉनिटर नहीं करेगा तो वहाँ चोरियाँ होंगी। तो इज इज इंट्रेंसिकली बेसिकली रॉन्ग कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक इट इज इलीगल ऑल्सो। तो वो नहीं माने, सो वी वेंट टू हाई कोर्ट। तो आर एज एन एसोसिएशन वी वेंट टू हाई कोर्ट एंड फर्स्ट हियरिंग वी गॉट स्टे। तो ये सब जो है इससे आर एसोसिएशन इज नाउ वेल नोन, और कोई भी अगर एक्शन होता है कहीं से भी तो वो दो बार सोचते हैं कि ये एसोसिएशन के लिए सही है तो हम एक्शन लें, नहीं है तो नहीं। तो ये तो बाडा का हो गया जी। अब आपने जैसे FADA की बात करी, FADA पूरे डीलर बॉडी के लिए इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। अब इनके कई काम हैं और मैं आपको ब्रीफ में और फास्ट बताऊंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा जी। एक काम है मॉडल डीलर एग्रीमेंट। जब एक डीलर को कोई डीलरशिप मिलती है तो कंपनी के साथ उसको जो LOI मिलती है उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन होता है। वो इंडिया में जब स्टडी करा गया तो ये पाया गया कि एवरीथिंग ऑल द क्लॉजेज आर इन फेवर ऑफ द OEM। OEM मींस मैन्युफैक्चरर। तो FADA को इस चीज़ का ज्ञान था, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड जो प्रैक्टिस है वो एग्रीमेंट मंगाए, और दो साल तक FADA ने जो हमारा सेक्रेटेरिएट है न्यू दिल्ली में, इट इज़ वेरी प्रोफेशनली रन, और उन्होंने प्रोफेशनल रखे उन्होंने पूरा स्टडी करा। दो साल के बाद उन्होंने एक मॉडल डीलर एग्रीमेंट जिसको हम MDA बोलते हैं वो बनाया, विच इज़ अ बैलेंस्ड एग्रीमेंट। उसमें डीलर का पक्ष भी रखा गया है और मैन्युफैक्चरर का। और फिर ये पहल हमने की है और मैन्युफैक्चरर को हमने अप्रोच करा है, एंड इट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय मैन्युफैक्चरर ऑल्सो, क्योंकि एक तो वो है सही, सेकंड उन पे प्रेशर ऐसे पड़ रहा है कि हमने 58 पार्लियामेंटेरियन से उस पर साइन करा है। ओह लवली। क्योंकि बहुत से पार्लियामेंटेरियन हैं हु आर ऑल्सो हैविंग ऑटोमोबाइल डीलरशिप, तो उनके इंटरेस्ट में भी है और उनके इंटरेस्ट में हम लोग हैं क्योंकि हम उनका एक हिस्सा हैं, वोट बैंक है, वोट एवर जी। मैन्युफैक्चरर अगर गलत कर रहा है तो वो उनका साइड भी नहीं देंगे और वो है भी नहीं वोट बैंक। बट हमारी जो आपको बता दूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पूरे इंडिया में 48 लाख लोग हैं एम्प्लॉयड, तो हमारा इंटरेस्ट बड़ा है कि वो बड़ा है, फर्स्ट पॉइंट ये। सेकेंड, हम सही हैं वो ये जानते हैं। थर्ड, एक पार्लियामेंट से प्रेशर जो पड़ेगा पार्लियामेंटेरियन का, तो और हम हैं भी सही, तो जब मैन्युफैक्चरर ये चीज़ को बैलेंस करता है तो ऑब्जर्व करते हैं सही है, हाँ हमको मान जाना चाहिए, वर्ल्ड वाइड ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, और अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये जब पॉलिटिकल प्रेशर आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी पोजीशन खराब होगी। तो इसके चलते हुए दिस मॉडल डीलर एग्रीमेंट फॉर योर इन्फॉर्मेशन हैज़ रिसेंटली बीन एक्सेप्टेड बाय टू मेजर मैन्युफैक्चरर। वन इज MG मोटर जिसने 100% वो इंट्रोड्यूस कर दिया है, एंड द अदर वन इज होंडा कार्स एंड VECV, ये मत वॉल्वो की अपनी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो भी अभी एक्सेप्ट करने वाली है, प्लस लॉट मैनी मैन्युफैक्चरर हैव एग्रीड कि ओके हम इसमें हो सकता है 100% नहीं करें लेकिन 65% या 75% इट विल बी लाइक दैट कि इट विल हैव एन इम्पैक्ट कि अगर 5-6 लोगों ने कर दिया तो इट विल पुट प्रेशर ऑन अदर लोग। तो ये एक काम है। इसके अलावा डीलर फ्रेटर्निटी जो है, अब जैसे मैं हूँ, मैं एज कर रहा हूँ, अब मेरे बच्चे आके टेक ओवर करेंगे, तो क्या होता है, एक स्टडी करी गई और ये पाया गया कि जो डीलर्स की नेक्स्ट जनरेशन है दे स्टडी अब्रॉड एंड देन दे डोंट वांट टू कम बैक। ये अक्रॉस इंडिया ऐसी चीज ऑब्जर्व करी गई। अब अगर वो लौट के नहीं आएंगे तो हु इज़ गोइंग टू कैरी द बेटन, आगे इसको कौन चलाएगा काम को, तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी। और बच्चों का नहीं आने का कारण ये था कि
उनने उन अपने फादरों को स्ट्रगल करते देखा है, फादर को स्टाफ के साथ, कंपनी वालों के साथ, गवर्नमेंट बॉडीज के साथ, कस्टमर्स के साथ, सबके साथ जूझते हुए देखा है, पर उनने ये रियलाइज नहीं करा कि इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आप कहीं भी काम करेंगे तो ऐसा होगा, तो आपको ये फिर उनको लगा ये बड़ा हार्डशिप वाला काम है, बहुत लफड़े वाला काम है, तो आई शुड नॉट एंटर, आई शुड डू माई आईटी और सैन फ्रांसिस्को में जॉब करूंगा, व्हाई आई शुड कम टू इंडिया। तो ये चीज को हमने थोड़ा सा पॉजिटिवली लेते हुए कि इसको रिजॉल्व करना है, हमने जो मतलब डीलर्स हैं वो आर एजिंग, उनके बच्चों को जो कि मतलब 25-30 साल के हो गए हैं, उनको बुलाया, उनका एक ग्रुप बनाया विच वी कॉल जनरेशन नेक्स, और उनको हमने जो एग्जिस्टिंग डीलर्स हैं, जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उनके केस स्टडीज हैं, जो अच्छे वक्ता हैं डीलर, उन्होंने उनके साथ इंटरेक्ट किया, फिर हमने उनको एक हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए जो बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फैकल्टीज के साथ उनको इंटरेक्ट करा के उनको जैसे एसपी जैन ले गए या निम्स ले गए, और वहाँ पे उनको हमने थोड़ा सा उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया और उनकी काउंसलिंग करी। उसमें एक तो ये फ़ायदा हुआ कि दे गॉट इंटरेस्टेड, दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ये बहुत अच्छी लाइन है एंड वाई वी शुड नॉट कंटिन्यू इट, यू नो लाइक कंटिन्यू विथ इट। सेकेंड, इसमें अच्छा ये हुआ कि जैसे डीलर्स के जैसे बच्चों ने एक साथ बैठ के जब इंटरेक्ट करा तो उन्होंने दे शेयर्ड ईच अदर नंबर। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जो उन्होंने शेयर करा, ये जो हम जो नए यूथ को लेकर आए और वो अपने काम में बिजी हो गए लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ, उन्होंने ये बताया कि एक कोई बेंगलोर में डीलर था, उसके लड़के को कुछ प्रॉब्लम आई। तो अब देखिए क्या होता है कि आप अभी यंग हो, आपकी 40 साल पुरानी डीलरशिप है, आपके फादर चला रहे हैं, फादर के साथ जो स्टाफ है, जो अकाउंटेंट है, फ्लोर सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, वो फादर के साथ ही ग्रो करा है उन्होंने, बहुत जगह ऐसा होता है, और 20-20 साल की 25-25 साल की उनकी नौकरी हो गई है। तो अब वो एक आप जब ज्वाइन करते हो 25 साल के 26 साल के हो, 1-2 साल हुआ तो आप बोलते हो तो आपकी बात सुन तो लेते हैं लेकिन उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो देते हैं ये तो कल का लड़का है, ये हमें कैसे कर रहा है। तो अब ये चीज़ एक जो हमने ये कॉन्फ्लिक्ट फोरम क्रिएट करा, उसके एक लड़के ने एक शेयर करी कि ऐसी प्रॉब्लम मेरे को आती थी, तो मेरे तो मेरी डीलरशिप थी वहाँ पे एक कोई प्रॉब्लम थी विच वॉज नॉट गेटिंग रिजॉल्व, सो वी टॉक वी ट्राइड लॉट ऑफ थिंग्स लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। तो मैंने जो हमारे साथ जो हमारी काउंसलिंग हुई थी और जो हम लोग ने जो मतलब गेट टुगेदर हुई थी, तो करीब 20-25 लड़के लड़कियां थे जो कि अपने पेरेंट्स के साथ काम कर रहे थे। तो उसने एक कोई अहमदाबाद में लड़का था, उसके साथ फ्रेंडशिप थी, तो उसको फ़ोन किया तो पता चला कि उसकी डीलरशिप में भी सेम प्रॉब्लम आई थी और उन्होंने रिजॉल्व करी। तो ही एक्सप्लेन्ड हिम एज टू हाउ इट शुड बी रिजॉल्व। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम हिम कि ये प्रॉब्लम, ये समस्या का हल कैसे करना चाहिए, उसने आके वो हूबहू अपनी डीलरशिप में इम्प्लीमेंट करा एंड दे गॉट अ सॉल्यूशन। अब इसमें दो फायदे, फायदा नंबर वन कि डीलरशिप की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, सेकेंड इमीडिएटली दैट पर्सन जो बेंगलोर में था, जो अपने फादर के साथ काम कर रहा था बट उसको सीनियर सपोर्ट सिडली इतना रिस्पेक्ट नहीं देते थे इंटरनली, दे ही जस्ट ग्रू इन देयर आई, उनकी आंखों में वो उड़ गया तब। तो एक तो FADA इस टाइप के काम कर रहा है, प्लस लेडीज जैसे होती हैं इनका एक विंग बना है, बहुत सी जो लाइक मतलब वुमेन होती हैं वो अपनी डीलरशिप में असिस्ट कर रही हैं, डीलर्स वाइफ या उसकी लड़की या उसकी बहन, लेकिन उनको उतनी नॉलेज नहीं होती जो डीलर की, तो उनके लिए एक अलग ग्रुप बना है, उनकी भी मीटिंग अलग से होती है, उन्हें भी बिजनेस की बारीकियां बताई जाती हैं, सो दैट दे बिकम
इक्वली प्रोफिशिएंट एंड एफिशिएंट। तो ये सब जो पहलू हैं, ये कुछ पहलू मैंने आपको आपके एफएडीए को बताया। अभी एफएडीए और भी काम कर रहा है जी जी। तो अब इफ आई गो देन आई विल गो फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो जो चीजें हैं डाउन द लाइन में यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि एफएडीए की मेंबरशिप एमपी में, अभी क्या है कि 20% डीलर या 25% डीलर एमपी में एफएडीए के मेंबर है। तो मेरी टर्म जो है वो ये 2 साल की है। तो आई वांट कि मेरे रहते हुए अभी 1 साल हुआ है, मैं यहाँ पे कम से कम 50-60% डीलर्स को एफएडीए के मेंबर, विच विल मेक एफएडीए आल्सो स्ट्रांग। हमारी बेस्ट विशेस इसके लिए। आप पिछले 38 वर्षों से ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कार्यरत हैं और आपका बहुत लंबा अनुभव है। इस अनुभव को अगर हम देखें और इसको अगर हम ट्रांसलेट करें कि जो आपने ओवर द ईयर्स एवोल्यूशन देखा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, बीते दौर में क्या रहा, अभी क्या है और फ्यूचर आप कैसा देखते हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जब मैंने एंटर करा तो 84 में काफ़ी चेंजेस होने लगे थे। वी हैड मूव फ्रॉम मिडिवल एज टू एन एडवांस एज, क्योंकि पहले वो एम्बेसडर स्टैंडर्ड कारें होती थी, बाइक में राजदूत पीएचडी होती थी, 2 स्ट्रोक इंजन था, उसमें पेट्रोल गजलिंग होती थी, आवाज़ बहुत करती थी, मेंटेनेंस बहुत मांगती थी। तो 84 में मैंने एंटर्ड 85 में, तो 84-83 में शायद मारुति आ गई थी, और 82-83 में, और 84 मारुति के आने के बाद काफ़ी कुछ मॉडर्निटी आई कार की, लुक्स में, डिज़ाइन में, उसकी परफॉर्मेंस में। सिमिलरली 84 से 100cc बाइक्स आने लगी, इफ यू रिमेंबर। तो फॉरेन कोलैबोरेशन जो हुए थे उसमें सुजुकी, होंडा, कावासाकी, यामा, ये सब बाइक्स आने लगी। तो बाइक्स एक मॉडर्न टाइप की हो गई, मेंटेनेंस कम हो गया, एवरेज अच्छी होगी, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होगी, पावर भी था, इन स्पाइट ऑफ पेट्रोल कम खाती थी उसके बावजूद पावर अच्छा था। तो इट हैड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो ये सब एवोल्यूशन आई हैव सीन। बट क्या हुआ, वंस वी रीच द लेट 1990s, तो 1998 के आसपास की बात है, जब 2 स्ट्रोक में जो जो व्हीकल्स होती थी वो, चूँकि उस समय 2 स्ट्रोक की गाड़ी अधिक थी एज फार एज 2 व्हीलर्स आ करता, तो उसमें एक बस होंडा की गाड़ी थी जो हीरो होंडा, विच यू माइट बी रिमेंबरिंग, आई आल्सो ओन्ड इट। तो वो एवरेज की गाड़ी थी, वो थी 4 स्ट्रोक, और सब गाड़ी जैसे यामा हुई, या एक यामा की गाड़ी थी RX 100 जो कि यूथ बहुत लाइक करता था, एक TVS की गाड़ी थी जो शोगन नाम से आती थी, वो भी लोग बहुत लाइक करते थे। तो ये सब जो व्हीकल्स थी ये अच्छी परफॉर्मिंग व्हीकल्स थी, बट ये क्या पोल्यूट करती थी, क्योंकि पेट्रोल के साथ आप ऑयल मिलाते थे। तो लेट 1990s में जब आपके पोल्यूशन नॉर्म्स आ गए, Euro 1 आ गया, उसको हम इंडिया में BS1 बोलते हैं, भारत स्टेज बोलते हैं। तो इंडिया चूँकि एक्सपोर्ट करने लगी थी गाड़ी, तो इंडिया को भी वो नॉर्म्स को एडहर करना पड़ा। तो टू स्ट्रोक व्हीकल्स वेंट आउट, एंड उसके बाद से 4 स्ट्रोक गाड़ियाँ आने लगी। तो सेकेंड एवोल्यूशन ये हुआ। फिर इसके बाद वी हैव बीन ऑब्जर्विंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि BS4 गाड़ियाँ आई, उसमें पोल्यूशन इज़ लेस, और फिर BS6 आई। BS6 के बाद तो अब BS6 में OBD Stage 1, Stage 2, इस टाइप की गाड़ी है मेनली। अब एम्फेसिस है हाउ टू मेक द पोल्यूशन लेस, कि मतलब कार्बन फुटप्रिंट कम। इसी के चलते हुए वी हैव बीन ऑब्जर्विंग फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज इंक्रीज हो रहा है। 4 व्हीलर में अभी आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि टाटा है, MG मोटर है, हुंडई है, आई थिंक मारुति भी आ गई है, तो इन महिंद्रा सबकी, हाँ, और महिंद्रा, इन सबकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और टोयोटा और मारुति वगैरह की हाइब्रिड व्हीकल्स भी आ गई, कार्स आ गई हैं। प्लस 2 व्हीलर में कई इलेक्ट्रिक व्हीकल आई हैं, जिसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर भी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। तो उसका रीज़न ये है कि पेट्रोल के रेट्स जो इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस जो गवर्नमेंट की फेम के थ्रू सब्सिडी है, वो भी एक रीज़न है कि लिथियम आयन बैटरी यूज़ करने के बावजूद भी व्हीकल जितनी एक्सपेंसिव हो सकती थी उतनी नहीं है। पर इसके चैलेंजेस हैं कहीं कि अभी भी लिथियम आयन बड़ा एक्सपेंसिव है बैटरी, और बैटरी की 50-60% कॉस्ट तो बैटरी में, 40% उसकी कॉस्ट है, और उसकी आपको वारंटी जैसे 3 साल की मिलती है 2 व्हीलर में, तो
उसको अगर चार या पांच साल के बाद आप बेचने जाओगे तो 20 वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये थोड़े से अभी चैलेंजेस हैं, बट जैसे ही इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल काम करेगा और ये बैटरी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, गाड़ियां ज्यादा होगी, तो द कॉस्ट ऑफ चार्जिंग फैक्टर भी है कि जो टाइमिंग जो है, हाँ, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडिया में वी नीड अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तो अर्बन एरिया में नहीं है, सेमी अर्बन रूरल में आने में तो टाइम लगेगा। प्लस और भी इसमें काम हो रहा है, अब जैसे लिथियम चूंकि एक्सपेंसिव है तो इसको रिप्लेस करने के लिए सोडियम वेनेडियम इस टाइप की बैटरीज पे काम चल रहा है। अल्टरनेट्स आ रहे हैं और इंडिया के लिए एक चीज़ अच्छी है कि जीएनके में वी हैव फाउंड रिजर्व ऑफ 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम विच इज़ वन ऑफ द हाइस्ट आई थिंक टॉप 3 इन द वर्ल्ड। तो पहले तो प्रोस्पेक्टिव था, अब ये अश्योर्ड हो गया, तो नाउ इट कैन बी माइंड। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। बट जो आगे मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि, और गवर्नमेंट का भी एम्फेसिस है एंड राइटली सो, दैट वी विल बी सीइंग सम हाइड्रोजन बैटरीज। अब हाइड्रोजन चार टाइप की होता है, एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन जो कि आपके वाटर से बनता है, उसमें से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करा जाता है बाय लाइक फ्यूजन। फिर होता है ग्रे हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन आपका कोल से जो है मिलता है। फिर होता है ब्लू हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन आपका जो ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उससे मिलता है। तो और एक होता है ब्राउन हाइड्रोजन। तो चार टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, लाइक आई एम सॉरी, ग्रे हाइड्रोजन आपको मिलता है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस से, ब्राउन हाइड्रोजन मिलता है आपको कोल से। तो इन चार टाइप के हाइड्रोजन में सबसे जीरो कार्बन फुटप्रिंट वाला ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन पे काम चल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन में अभी प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ नंबर वन, आपके फिजन से हाइड्रोजन जैसे अलग करते हैं तो इट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ हाईली सेफ्टी, हाईली एक्सप्लोजिव। सेकेंड, द कॉस्ट factor is high now, it is at the moment it is 300 rupees a kg, but over a period of time it will come down. So national green hydrogen mission करके एक government की project है, उसमें I think 19,000 crore rupees government ने invest करे हैं और उस पर जो present government है उसका इतना focus है, they want to be world leaders in green hydrogen and they want to be in a स्टेट वेयर दे आर एबल टू एक्सपोर्ट इट आउट। तो बहुत एवोल्यूशन होगा, एक तो ये हो गया। सेकेंड, जो व्हीकल्स हैं दे आर मूविंग टूवर्ड्स ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन में अभी पांच स्टेज होती है, नाउ वी हैव रीच द सेकेंड स्टेज एंड फिफ्थ स्टेज जो होती है ऑटोमेशन की वो होती है व्हेन द व्हीकल इज ड्रिवन ऑन ऑटोमोट। मीन्स यू जस्ट कॉल द व्हीकल, इट कम्स, यू जस्ट गो आउट, द डोर ओपन, यू एंटर द व्हीकल, आप बैठ जाइए, आपको जहाँ जाना है वो ले जाके ड्रॉप कर दिए। अभी मतलब लास्ट तक आ पाए हैं हम लोग। हाँ, अभी अपन सेकेंड लेवल पे आ पाए हैं और थर्ड पे भी आ गए हैं अमेरिका वगैरह में, बट फिफ्थ में आने में टाइम इसलिए लग रहा है, फिफ्थ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी। ये फिफ्थ स्टेज की व्हीकल, इनफैक्ट आई हैड गॉन टू सैन फ्रांसिस्को, तो वहाँ पे मैंने चलती हुई देखी, उसमें वो लगा रहता है बोर्ड, बट उसमें एक लीगल इशू एमिनेट कर रही है। वो लीगल इशू ये है कि हाउ टू मेक इंश्योरेंस क्लेम। अब आप पूछोगे इंश्योरेंस में क्या प्रॉब्लम है बताइए, तो ऐसा है कि आपकी व्हीकल मूव कर रही है, सामने एक गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी के पीछे से एक आदमी निकला, तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं ह्यूमन माइंड उसको पकड़ देगा, वो आदमी निकल रहा है वो शायद सामने आ जाए, स्लो कर लो। लेकिन जो ऑटोमेटेड व्हीकल चल रही है उसे मालूम है कि वो अपने पाथ पे चल रही है, ये गाड़ी यहाँ पार्क है, वो आदमी वहाँ से निकल रहा है, वो रोबो है, ही इज़ नॉट ट्रेंड टू अंडरस्टैंड कि वो सामने आ जाएगा, ही इज़ ट्रेंड टू अंडरस्टैंड कि वो नहीं आएगा एज पर लॉ, तो वो जाके ठोकर मार देगा, तो इंश्योरेंस में कौन क्लेम देगा उसका। तो ऐसे केसेस बहुत होंगे, तो उसको अगर AI से जोड़ेंगे तो शायद, नहीं नहीं AI से, AI के बाद ही है, बट इसमें और काम चलेगा तो फिर ये भी चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट होगी। तो अभी वो थोड़ा सा अटका हुआ है मामला इंश्योरेंस में, लीगल में, बट इट विल बी थ्रू ओवर अ पीरियड। तो ऐसे एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एंड वी विल सी सम एक्साइटिंग टाइम लाइक फ्लाइंग कार्स एंड कार गोइंग इन द वाटर आल्सो। हो सकता है कि हमारे रहते हुए ही सारी चीज़ें, हमारे रहते हुए ही होगा जी। ये आप
2030-35 में ये सब अपनी आंखों से देखेंगे. आई थिंक 5 to 8 years down the line you will be seeing all this happen. तो कंजेशन फ्री हो जाएंगी सड़कें फिर, ऐसा समझ लो. कंजेशन फ्री, लेट्स होप सो. आई डोंट नो, आबादी बढ़ रही है, कैसे क्या हो रहा है जी. थैंक यू वेरी मच सर. और आज आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बहुत गहराई में जाके, कहते हैं ना समुद्र में एक लंबा गोता लगा करके हमको उसके कुछ मोती ला करके दिए. और जो बहुत सारे लोग इन तथ्यों से अनभिज्ञ होंगे, इस बैकग्राउंड को जो नहीं जानते हैं, उनके लिए कुछ बहुत सारी सूचनाएं इसमें नई होंगी. और हम ऐसी ही जानकारियां आपसे आने वाले समय में लेते रहेंगे. एक आपने जो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि जो नई जनरेशन है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या अपने पेरेंट्स के बिजनेस को आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं ले रही, और एक बड़ा सर्वे हुआ उसकी जानकारी का एक एपिसोड में चाहूंगा कि हम अलग से करें. और उसमें आपने कुछ सॉल्यूशंस भी बताए थे, कुछ बच्चे वापस आ भी रहे हैं काउंसलिंग के जरिए, तो वो एक अपने आप में एक अलग एपिसोड होगा जिसके बारे में हम आपसे अलग से चर्चा करेंगे. आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं. आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.